हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने गार्डन का छोटा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि बारिश के बाद हमारे प्लांट्स जो हैं वो कितने खुश नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये सिंगोनियम का प्लांट है और ये इसका नाम नहीं याद आ रहा। आप देखते जाइए कितनी हरियाली है इसमें। सभी मेरे प्लांट्स जो हैं बिल्कुल हरे भरे हो गए हैं। ये देखिए, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया कितना अच्छा हो गया है बारिश की वजह से। फिर ये फाइकस प्लांट, ये भी अच्छा हो गया है, न्यू न्यू शूट्स आ रहे हैं अभी इस पे। ये देखिए, छोटे छोटे से न्यू शूट्स आ रहे हैं। और ये मेरे डिफन बाकिया का प्लांट। फ्रेंड्स, इस प्लांट को मैंने बहुत मुश्किल से बचाया है। ये ठंड के दिनों में इसमें बारिश की वजह से इसकी मतलब ये बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था, तो मैंने इसकी कटिंग काट कर लगा दी इसमें और ये ग्रोथ हो गई। और एक छोटा सा मैंने इसमें अजवाइन का प्लांट भी लगाया हुआ है। ये मेरा ट्रेशिना का प्लांट है, ये है सफली और ये सफलेरा का प्लांट और ये कोलियस का प्लांट है और ये एक फर्न है, थोड़े दिनों पहले ही मैंने लगाया है और इसमें आप देख सकते न्यू शूट्स आ गए हैं इसमें। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये और ये दो इसके नई ब्रांचेस निकल रही हैं। और ये मैंने कोचिया का प्लांट लगाया था एक, इसमें जो ये आप देख रहे हैं कॉक्सकॉम का प्लांट है, ये अपने आप ही जर्मिनेट हो गया है। ये देखिए कितना बड़ा हो गया है, ये आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा हो गया है इसमें। और मेरे हर एक पॉट में ना ये छोटे छोटे से कॉक्सकॉम के प्लांट अपने आप ही लग गए हैं, मतलब इनकी सीडलिंग अपने आप निकल गई। और ये एक मेरा ग्राउंड फ्लोर का गार्डन है, छोटा सा ही गार्डन है, मेरे पास बहुत थोड़ी सी जगह है मेरे घर में। और ये मेरा बहुत पुराना प्लांट है बहुत, और देखिए कितना ग्रीन। ये मेरा बहुत पुराना प्लांट है, ये देखिए इसकी जड़ें। ये मेरे पास काफ़ी पहले से है, काफ़ी पुराना प्लांट है ये मेरा। उसके बाद ये एक और पाम की वैरायटी है, अभी मैं मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है, मैं इसका नाम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी बताऊंगी। ये भी मेरे पास बहुत पुराना है, ये भी बहुत अच्छा हो गया है बारिश की वजह से, ये बहुत सुंदर हो गया, देख सकते हैं। मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बारिश का पानी जो है ना पौधों के लिए वरदान है, एक वरदान की तरह है। ये देखिए सारे प्लांट्स मेरे ग्रीन ग्रीन से। और ये जो बड़े पॉट में आप देख रहे हैं ना प्लांट, ये बड़े पॉट में ये मैंने 2-3 दिन हो गए इसको यहाँ पे, ये प्लूमेरिया का प्लांट है और इसे मैंने बड़े पॉट में शिफ्ट किया है। अभी इस पर इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं आ रही है, एक दो फूल ही है बस, अभी ये फ्लावरिंग करेगा।
ये आप ऐसे पीले पत्ते तोड़ दिया करें। देखिए अब पहले ये सिर्फ 10 इंच के पॉट में था ये वाला प्लांट मेरा, तो अभी मैंने इसको 15 इंच का पॉट जो है वो इसे इसमें लगाया। उसके बाद ये मेरे स्टेयर्स पे रखे हुए हैं कुछ पौधे, कुछ मैंने ऐसे यहाँ पे टांग कर हैंगिंग छोटे छोटे पॉट हैंग किए हुए हैं। ये आपको दिखाती हूँ अभी, ये देखिए छोटा सा पॉट है बिल्कुल प्लास्टिक के बेकार पॉटल में मैंने ऐसे इसमें विंका का प्लांट लगाया। और देखिए ये ऊपर से दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है। मेरे पास जगह कम होने की वजह से मैंने कुछ प्लांट ऐसे सीढ़ियों में रखे हुए हैं। ये मेरा हाइब्रिड विंका है, बस आपको दिखाती जाती हूँ मैं अपने जितने भी प्लांट्स हैं मेरे पास। ये भी एक विंका की वैरायटी है, वाइट कलर के हैं इसमें फूल और इसमें पिंक कलर के फूल हैं। ये देखिए कितने प्यारे फूल, पिंक कलर के फूल कितने अच्छे। छोटा सा प्लांट है बिल्कुल और छोटा सा ही पॉट है, मुश्किल से 5-6 इंच का होगा। और ये एक मैजेंटा कलर का है जिस पे अभी बहुत 1-2 ही फूल है बस, उस तेज गर्मी पड़ी थी तब इसमें सारे फ्लावर्स जो थे वो झड़ गए थे। एक ये कटिंग मैंने लगाई हुई है इसमें, इसके सीड जो है ना पिंक कलर के जो है वो सीड मेरे पास इसमें थे, सीड पॉट बन गए थे तो मैंने इसमें डाल दिए थे वो सीड पॉट। कई सारे सीड्स डाले थे जिसमें से 1-2 ही जर्मिनेट हुए, कुछ मैंने यहाँ पे कटिंग्स लगाई हुई हैं। देखिए प्लांट्स कितने हरे भरे, और थोड़े ऊपर मैंने ऐसे देखिए डांसर्स के प्लांट्स में भी अच्छे फ्लावरिंग हो रही है। और ये मेरे मॉस रोज के प्लांट्स, मैंने छोटे छोटे से कंटेनर्स में लगा रखा है मॉस रोज, मैंने छोटे छोटे से डिब्बों में कंटेनर्स में। और ये मैक्सिकन पिटूनिया का फूल लाइट पिंक कलर का, देखिए सभी की इतनी अच्छी ग्रोथ बारिश के बाद हो गई है। ये देखिए मेरे डायंथस कितने अच्छे ब्लूम कर रहे हैं, डायंथस के प्लांट। अरे मैंने ये एक तरबूज की बेल लगाई हुई है जिसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, ये देखिए ये, और कितने सारे इसमें बर्ड्स भी बने हुए हैं। और एक ये पाम है मेरा, और ये गजानिया का पौधा है, और ये एक एगेव का प्लांट है मेरे पास, और 2 मेरे छत पर पड़े हुए हैं। ऐसे मैंने स्टेयर्स पे रखे हुए हैं। ये भी कॉक्सकॉम का प्लांट है, ये मैंने सभी सीड से तैयार किए। ये देखिए गजानिया का पौधा, अभी तक में इसमें इनमें फ्लावरिंग हो रही है। और अब मैं छत पे आ चुकी हूँ, और छत में ये देखिए ये आज कितना सुंदर रेन लिली के फूल खिले हुए हैं, देखिए सारे प्लांट्स देखिए। और ये मेरा मोगरा का प्लांट है, इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग होने वाली है, ये देखिए एक ये फूल है। सारे प्लांट्स देखिए कितने ग्रीन, बारिश के बाद कितने ग्रीन ग्रीन हो गए हैं। देखिए
ये हमेलिया का प्लांट है। इसमें भी बहुत सारे फूल बने हुए हैं, ये देखिए कितने सारे फूल इसमें भी। ये भी बहुत प्यारा प्लांट है, ये हमेलिया का प्लांट। ये देखिए इसमें भी बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। और ये मेरा डबल चांदनी का पौधा, इसमें भी एक फूल, ये देखिए आज एक फूल इसमें भी है। और ये इसी पॉट में मैंने एक सदाबहार का पौधा लगाया हुआ। और इधर कुछ पौधे मैंने ऐसे रखे हुए हैं, ये देखिए इन्हें ये मैंने छोटे 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 डिब्बों में सदाबहार के प्लांट लगाए हुए हैं। और ये मॉस रोज, ये फॉक्सकॉर्न, और ये भी सभी मॉस रोज के ही हैं। अभी इनके फूल जो है स्पेंट हो चुके हैं क्योंकि अभी यहाँ पर धूप चली गई है। सारे प्लांट्स कितने ग्रीन ग्रीन हो गए हैं बारिश की वजह से, इनमें बारिश का पानी पड़ा तो ये देखिए कितने ग्रीन ग्रीन। ये मैंने तरबूज की बेल लगाई हुई है। और ये मेरा मैक्सिकन पिटूनिया है, देखिए इसमें एक फूल खिला हुआ है। इधर ये तो सभी वही सदाबहार के पौधे हैं। और ये एक फूल खिला हुआ है। और ये देखिए एक फूल आज इस पे रोज गुलाब का फूल भी है, एक फूल निकला हुआ। और ये एक कली निकली हुई है, कल तक खिल जाएगी। और ये स्पैंक फ्लावर्स है जो ऐसे इनको तोड़ दिया करें स्पैंक फ्लावर्स को। और ये मेरा कनेर का पौधा है, पिंक कनेर का पौधा। और ये फिर से अगेव। और ये प्लूमेरिया, ये प्लूमेरिया का प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।